लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड के अलग अलग पार्ट्स है। उसमें सबसे वाला पहला पार्ट हम देख रहे हैं, ये सब अलग अलग वीडियोस में कवर अप होगा। इस वीडियो में लीगल प्रोविजन ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड कि पैसा कहाँ से आ रहा है डिविडेंड के लिए, इसके जो लीगल कायदे हैं वो समझना होगा। कंपनी कोई भी पैसा से डिविडेंड नहीं दे सकती, जैसे कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था, हमने देखा था डिबेंचर का चैप्टर में कि डिबेंचर को लौटाने के लिए एक अलग से रिजर्व क्रिएट किया जाता है, वो रिजर्व नहीं यूज कर सकते। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि तुम डायरेक्टर के पोजीशन में हो, तुम डिविडेंड देना चाहते हो, तो कौन से पैसे से डिविडेंड दोगे? तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर हम तो प्रॉफिट में से देंगे, करेक्ट? ये तुम्हारे मन में सबसे पहला आ रहा होगा, करेक्ट? तो डायरेक्टर सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ से डिविडेंड देना है। सो सबसे पहले कि करंट ईयर्स प्रॉफिट, सॉरी, तुम्हारा जो करंट प्रॉफिट्स है, इस साल का जो नफा, उसमें से देंगे। पिछले फिनेंशियल ईयर्स के जो प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स पिछले कुछ सालों का था, जो पैसा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। अब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करेगा? तुमने कंपनी एस्टेब्लिश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का है या डिफेंस का है, और शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया लेकिन गवर्नमेंट को सस्ते में गुड्स बेचे, तो शेयर होल्डर्स को तो रिटर्न चाहिए। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि तुम्हारा नफा हो या नुकसान हो, कम भी पड़ा पैसा, तो हम तुमको पैसा देंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। इन दैट केस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है वो पैसा तुमको मिल जाएगा, जिसके बलबूते पे तुम डिविडेंड दे पाओगे। अभी ये है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आया हूं। एक सैनोफी इंडिया करके कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल में टॉप की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या तुमने कॉम्बी फ्लैम सुना है नाम? कॉम्बी फ्लैम, शरीर दुखता है तो कॉम्बी फ्लैम दवाई लिया जाता है, सुना है तुमने कॉम्बी फ्लैम? यस सर। सो सैनोफी इंडिया कॉम्बी फ्लैम बनाती है एलर्जी के लिए, उसका ये सब बेस्ट ब्रांड्स है। तो ये जो सैनोफी इंडिया है, ये जिससे कॉम्बी फ्लैम ये सब बनाती है और बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती है, 365, उसका शेयर का दाम करीबन 8,000 रुपया है, अभी तो 20,000 का टारगेट है उसका। लेकिन मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, सैनोफी इंडिया ने उनका एक न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस, हो सकता है न्यूट्रिशन के संबंधित जो बनाते थे, उनका एक बिजनेस उन्होंने बेच दिया। तुम सोचो ना कि जैसे अशोका बिल्डकॉन, अशोका के 20 कंपनीज है, ठीक है ना? अशोका मेडिकेयर हॉस्पिटल है, अशोका बिजनेस स्कूल जो एमबीए का है, अशोका स्कूल है इंटरनेशनल या ग्लोबल स्कूल है, तो एक हिस्सा उन्होंने बेच दिया। ऐसे सोचो, बेचा नहीं, बस एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सैनोफी इंडिया ने उनके ग्रुप ऑफ ये सब अलग अलग कॉम्बी फ्लैम बेचेंगे तो उनको 4-5 हज़ार करोड़ मिल जाएगा, सिर्फ कॉम्बी फ्लैम ब्रांड का इतना वैल्यू है। सो उन्होंने अपना न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस 587 करोड़ में बेच दिया, ठीक है? और 587 करोड़ में बेचा तो टैक्स पकड़ ले, उसमें उसमें 150 करोड़ लगेगा, 450 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो ये 400 या 450 करोड़, चलो 400 करोड़ आफ्टर टैक्सेस प्रॉफिट बचेगा। तो ये 400 करोड़ का कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट किसको बोलेंगे? जो वो दवाई बेचता है, एनविल 25, कॉम्बिफ्लैम, एलेग्रा, लैंटस, ये बेच के जो नफा होगा, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि दवाइयां हैं। लेकिन दवाइयां का मेन बिजनेस ही बेच दिया उन्होंने, सैनोफी बिका नहीं है, सैनोफी ने अपना एक हिस्सा बेच दिया है। पूरे शरीर में उनका एनविल 25 है, कॉम्बिफ्लैम है, पूरे अलग 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 उनके ग्रुप कंपनीज है, ठीक है? उसमें उन्होंने अपना एक हिस्सा बेच दिया न्यूट्रास्यूटिकल। नाउ इनको जो 587 करोड़ मिला, इसमें से आफ्टर टैक्स जो बचेगा 400 करोड़, ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये लोग हर बार अपना बिजनेस नहीं बेचते, दवाइयां बेचते हैं। सो बिजनेस बेचा तो जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। सबको फर्क समझा? ये बेचा एनविल 25 कॉम्बिफ्लैम तो रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है, और ये बेचा तो कैपिटल प्रॉफिट। फर्क क्लियर है सब लोग? यस और नो?
यस गॉट टू, ओके वेरी गुड। सो ये जो यहाँ पे बोला है कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश, कैपिटल प्रॉफिट्स में डिविडेंड दे सकते हैं क्या, आर रियलाइज इन कैश? द आंसर इज यस, ये इनको कैश में मिलेगा 57 करोड़। नाउ वापिस से आते हैं इसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी परमिट सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अभी सैनोफी इंडिया ने क्या करना चाहिए, सैनोफी इंडिया ने को कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटना है 400 करोड़ में से, मे बी 300 करोड़ बांट के 100 करोड़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन पहले सैनोफी इंडिया को चेक करना है कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटने की उसमें लिखा है कि नहीं। नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करो कि सैनोफी इंडिया कैन गिव डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। मतलब तुमने आर्टिकल्स में बदलाव कर दिया, पहले से ही लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा होगा तो तुम उसको ऑल्टर कर सकते हो, टेक्निकल भाषा में उसको ऑल्टरेशन बोलते हैं, ऑल्टरेशन करने के बाद वो दे सकता है। ठीक है, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तुम एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यू करने के बाद भी प्रॉफिट्स बचेगा तो तुम डिविडेंड दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। जो मैंने बताया था ना 1 लाख का शेयर कैपिटल है, तुम बोलते ना एक सिंपल सा है, तुम एक घर पे रहते हो, तुम्हें तुम्हारा खुद का एक घर है, तुम घर का ही किचन कैसे बेच सकते हो तुम्हारे, ठीक है ना, तुम्हारा घर का ही जो कैपिटल है जिसमें तुमने बनाया है घर, तुम्हारे पास दो घर है, एक घर तुमने बेच दिया, ठीक है ना, घर का अंदर का हिस्सा तुम कैपिटल में से नहीं दे सकते भाई, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगा तो धंधा कैसे चलेगा, सो कैपिटल में से नहीं दे सकते। हाँ गवर्नमेंट ने तुमको कुछ पैसा दिया डिविडेंड देने का, वो यूज कर सकते हैं, वो इधर ऑलरेडी मैंने बताया। और कैन बी पेड फ्री रिजर्व। नाउ रिजर्व दो प्रकार का होता है, एक फ्री रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। मैंने बताया था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है, सिंकिंग फंड स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है ना, तो वो रिजर्व्स तुम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कमाई 50,000 है, तुम 20,000 बाजू में करते हो घर के ईएमआई के लिए, तो तुम जो भी खर्चा करना है 20,000 को कैसे टच करोगे, तुम्हारा ईएमआई में मिस हो जाएगा, तो तुमको खर्चा करना है 30,000 में से, ये 20,000 स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। फ्री रिजर्व वो रिजर्व है जो तुम कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, वो डिविडेंड के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लीगल प्रोविजन ऑफ सोर्सेज ऑफ डिविडेंड का क्वेश्चन खत्म होता है।